सो गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5 और फुली गेट अप 4 बजे से उठाऊँ, टूटी फूटी नींद है। लास्ट नाइट ड्रॉप टिल 5, इट वॉज फ्रीजिंग, ब्रेन फ्रीज। सुबह ब्लैक टी पी तो थोड़ा अच्छा लगा, वॉशरूम जाके आया हूँ, बाथरूम इज दैट टाइगर, एक टो हो रही है बिकॉज दैट पर्सन लाइक अभी यहाँ से पैंगोंग जाने वाले ले ही है, इज डन विद द राइट, तो वहाँ हो गई है टो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ सुबह का सीन क्या है यहाँ पे। आज कोई सिनेमैटिक ओपनिंग नहीं हुई है बिकॉज बहुत सिंपल है, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते इसीलिए। ओके, मैं पूरा फ्रेश हो गया हूँ, ब्रश वश कर लिया है, नहा लिया है, ठंडा पानी था पर ये लोग ने सब गर्म पानी दिया। एंड देयर इज, और पीछे का व्यू देखो आप, दैट्स हाउ द मॉर्निंग इज फ्रीजिंग नाउ। सब चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट पैक कर लिया, वी हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द गो। आज मैप से हमको खुद से जाना है, इट्स अ वेरी वेरी वाइल्ड राइड, 265 किलोमीटर्स है, पहाड़ों पे नॉर्मल दिखता है, गूगल पे 13-14 आवर्स दिखेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड हाँ, मेरा नाक जल चुका है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम लाइक दिस। चलो मिलते हैं रोड पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसी है मेरी जनता जनार्दन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। यस, शुरू करते हैं आज का राइड। सो राइड हो गई है स्टार्ट, और आज सबको एंजाइटी है, 80% ऑफ रोड ही मिलने वाला है, ज्यादा करके एक्शन कैमरा का ही शॉट होगा आप लोगों के लिए। श्योर यू गाइस विल एंजॉय, दिस इज अ ट्रीट, यू आर इन लद्दाख पैंगोंग की तरफ। होपफुली डे लाइट में अगर पैंगोंग पहुंच गए तो वहां पे अच्छे से व्लॉग कर पाऊंगा। ब्रेकफास्ट वॉज गुड। कनेक्ट करते हैं पहले पहलू पे ऑफ रोड के। अरे भाई कहाँ से ले जा रही है, ओ माय गॉड, इट्स नॉट ड्रिलिंग, इट्स नेचुरली हैपनिंग। सो ये हो गया हमारा ऑफ रोड स्टार्ट, और अब शायद ऐसा ही हमें मिलेगा। बेसिकली ये जो रूट है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए पूरा रोड ऐसा रहेगा। सो कुछ नज़ारा ऐसा है, ओह माय गॉड लुक एट दिस। एक सेकंड के लिए रुकता हूँ यहाँ, सिर्फ रुका नहीं गया, वो आ रही सारी BMWs वहाँ पे। और ये व्यू देखो आप, माय गॉड, ब्रेथ टेकिंग। ओके सो अब आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल नज़ारा, आई एम श्योर दिस वाटर इज इंडस, इफ नॉट कमेंट डाउन बिलो, लग रहा तो इंडस ही है। द व्यू यार, सी दिस, ये मोस्ट मेमोरेबल राइड हो गया यार। आकर्ष की आइटिनरी सही में जबरदस्त निकली, अननोन टेरेन्स, कंप्लीट ऑफ रोड, डिफरेंट रूट्स टू रीच। बाकी फॉर हिज टूरिंग डिटेल्स ऑल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब फिर से थोड़ा भगाते हैं, रोड अच्छे आए वापस। क्या बात है, बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे ना अच्छे से तो ये बाइक कमाल है यार। तो यहाँ ब्रेक लिया अभी, उसको वाटर है, इसलिए अभी बहुत लंबा सफर है, आप सब समझ सकते हो रोड ही नहीं है, इज नो रोड। ओहो, दैट वाज अ बैड वन। ए लुक एट द डॉग रनिंग बिहाइंड द बाइक, सामने हमें स्लो डाउन हो जाएगा। ओ पड़ा, पीछे पड़ा। बस ऐसे ही रास्ते आ रहे हैं। Oh my god, I'm going on 370. Are you serious? Okay, calm down, calm down. Forget I have alloy wheels. The moment that you bend. I see all riders have come. Even the Thar has made it. Thar was ripping it. What's up? How are you feeling, bro? Amazing. Crazy, beautiful, right? Terrain. I don't think so. We've ever seen riding such next a terrain, to the Tibet, right? Border. Yeah, that's China, guys. Literally, right? Yes. From that, after that is China. This is the Indus River. Yeah. And just next to that is China border. How was the ride so far? Oh, what a day! Killing it. What Anna, how was it? Oh, amazing ride. What a way to start the day. Awesome. So I can see some Rubicons coming in, Fortuner coming in, and this Thar is ripping it. So. सोचा यार रुकते एक शॉट लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी मैं।
Thanks. That was very deep. एंड मेरे को ना क्लच प्लेट बर्न नहीं करनी थी जो मैं शुरुआत में कर रहा था टू पुश इट इट्स नॉट गुड माई गॉड डू यू सी दैट वी आर सपोज टू क्लाइम द माउंटेन KTM ऑफ रोड मोड पे है चलो देखते हैं भाई ये इजी नहीं होगा ये वाला पार्ट फॉर श्योर क्योंकि उस दिन जो पहाड़ चढ़ने में हालत नहीं थी ओके दिस इज फाइन ओके ये ऐसा है क्या मुझे लगा बहुत सैंड से भरा हुआ होगा नॉट बैड अरे रॉन्ग ट्रेल ले लिया क्या अपनी ट्रेल बना रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव टेकन दिस रूट कमेंट डाउन बिलो मैं पहले भी आ चुका हूँ पर ये रास्ते से कभी नहीं मेरे लिए पूरा नया टेरेन है एज गुड एज आई एम राइडिंग इन सम अलूफ डेजर्ट और समथिंग सच सीनिक और वहाँ पे अभी ग्रीन पैस्चर्स पहली बार दिखे हैं जो अच्छा लग रहा है बॉस दिस इज लाइक राइडिंग सैंड ड्यून्स सच में पूरी बाइक वॉबल हो रही है ये एक्सट्रीम लद्दाख हो गया है जो मुझे बहुत मजा आ रहा है ओहो शिट ओ गई या मोर ट्रैक्शन ईयर आगे फिलहाल है दो BMWs और आकर्ष की बाइक बाकी राइडर्स पीछे हैं और आ गया और एक डिफिकल्ट पहलू पूरे डेजर्ट में हम चला रहे हैं इसीलिए हमने फूड वूड सब पैक कर लिया है क्योंकि अगले 4 घंटे तक हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ कोई सुविधा नहीं आपने इंस्टाग्राम पे स्पॉट देखा होगा वो जो ग्रास के ऐसे बम्स हैं लोग इस पे चलते हैं स्टोरी बनाते हैं रील बनाते हैं वो ये लोकेशन भी है आकर्ष ने तो यहाँ पे संस्कार बिछा दिया अभी हम काले माउंटेन्स पे आए हैं इस पे राउंड एंड शार्प स्टोन्स दोनों हैं आई होप माय अलॉय व्हील्स आर सॉर्टेड दीज ट्रेल्स आर क्वाइट डूएबल इतना नहीं है क्या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा चलाने में यहाँ मज़ा आएगा वो है वाइल्ड एसिस जो दिखते हॉर्सेस की तरह है लुक एट दिस स्पॉट अभी हम पहुंच चुके हैं धुमती कहाँ पहुंच चुके हैं धुमती हाँ धुमती से हमें अभी भी ऑफ रोड है ही ना वैसे भी बहुत सारा अभी बहुत ऑफ रोड बाकी है और ये कुछ नज़ारा है हमारा आपकी एयर फ्लूइड दो बच्चे ट्यूबलेस टायर 1 फुट एडवांस पंचर BMW पे एंड ये लोग रीयूनाइट हुए हैं ये लोग हालने में अटक गए थे 2 दिन बाद मिले हैं सो दैट्स सो स्वीट गाइस दिस मेमोरी हैज बीन कैप्चर्ड शी वाज दे वर लिविंग द रियल एडवेंचर बिकॉज दे गॉट लॉस्ट एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 2 डेज हैट्स ऑफ दिस इज द सेकंड कपल एंड अगेन शी वाज विद द एडवेंचर ग्रुप शी लॉस्ट एंड शी वाज इन हानले एंड नाउ दे आर मीटिंग आफ्टर 2 डेज That's good. इतनी बार स्लिप हुई ना वैसा नहीं लग रहा लद्दाख नहीं राजस्थान आ गए ये वाली है ना डेफिनेटली ये देखो क्रेजी ओके सो एक ऐसा मोड है जहाँ पे ये लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ सो वी केम फ्रॉम देयर एंड ये है धुमती नॉर्थ बट हमें जाना है इस तरफ यू कैन सी आकर्ष इज ऑलरेडी लेफ्ट अब मुझे आधा घंटा यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है देख सकते हो आई एम ऑल अलोन सो आई हैव सम वाटर एंड आई गॉट सम फ्रूट जूस ऑल्सो सो इसीलिए ये सब कैरी करना बहुत ज़रूरी है कभी भूख लग सकती है आई गॉट फूड ऑल्सो तो या आई थिंक आई विल चिल या फॉर हाफ एन आवर विथ माई पीस कुछ ऐसा सीन है और हम बैठ गए हैं यहाँ पे बेसिकली हमें थोड़ी शेड थी इसीलिए इस साइड आया हैव टू वेट बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूजिंग रूट है राइट पे एक बहुत ब्यूटीफुल टारमैक है आदमी समझेगा यहीं से टारमैक चालू होने वाला है सो वी हैव टू गो स्ट्रेट ऑफ रोड डजंट स्टॉप हियर बिकॉज हम एक बहुत अलग रूट ले रहे हैं पेंगोंग का और मुझे दूर दूर तक कोई गाड़ी बाइक कुछ नज़र नहीं आ रही है सो मुझे लगता है मेरा आधा घंटा 45 मिनट्स वेस्ट नहीं तो देखा जाए तो मैं पेंगोंग खींच सकता था बट ये भी ज़रूरी है बिकॉज कोई गुम ना जाए आई मीन दैट कपल टू कपल आई मीन द लेडीज बेसिकली रिस्पेक्टिव वो दोनों 2 दिन से हालने में है दे कुडंट मेक इट यू नो सो फाइनली देर यूनाइटेड बहुत अच्छा फीलिंग था एंड या चलेंगे यार पानी वानी पीते हैं थोड़ा जूस वूस पीता हूँ लग रहा है ना क्लाउड्स एकदम स्टिल हो गए हैं यू नो दे आर नॉट मूविंग एट ऑल जो आर्मी ट्रक्स थे ना बंकर लॉन्चर लेके जा रहा था इस एक मज़े की लाइफ है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था जूस पी रहा था वो मुझे भी जूस दिखा रहा है बोला एंजॉय एंजॉय नाइस गाइस वेरी नाइस गाइस फाइनली सारी कॉन्वॉय आ गई है दिस इज द लास्ट बैच तो मैंने हेलमेट पहन लिया है भाई वहाँ से एक और रूट था
चुसुल का कोई बोर्ड नहीं था, समझ नहीं आ रहा था। लक्की और आर्मी वाले आए, बोले यही रूट है, वही भरोसे चल रहे हैं। वहां से भी एक रूट था, लिख रहे हैं पोल्स वहां पे, दैट इज आल्सो रोड, प्रॉपर रोड। आई डोंट नो, शायद वो आगे कनेक्ट हो। Now they are adding the tube because there are too many punctures. Adding the tube, making the tube tires. Nails are less, sharp stones are more. So ये है famous Sagala. So we have to cross this. Now 20 kilometers is the memorial. तो मैं क्या करूँगा, अगर ट्यूब BMW की तो नहीं है पर नॉर्मल बाइक की इनके पास होगी, they'll make it with tube. हमारे 1.5 घंटे वेस्ट हो गए हैं इस चक्कर में। If that is the person, नहीं वो दूसरी कोई बाइक है, तो मैं 20 किलोमीटर्स राइड करूँगा एंड वहाँ से जो नीचे जा रहा है वो लेके जाएगा, या तो फिर मुझे ले जाना पड़ेगा, देखते हैं। तो सागाला क्रॉस करके मेमोरियल आएगा 20 किलोमीटर बाद। एंड आई थिंक आकर्ष का वॉकी कनेक्शन में नहीं था, इसलिए दोज राइडर्स आर वेटिंग डाउन। अरे भाई साहब, रास्ता कहाँ है? ये तो पूरा रिवर है, यहाँ से निशान तो दिख रहे हैं, आई हैव टू गेस नाउ। जय माता दी। नॉट बैड, रास्ता यही खुला मैदान है, कहीं भी चलाओ। ये जो ब्लैक वाला सॉइल है ये थोड़ा बेटर है, दिस वाइट वन इज वेरी स्लिपरी, ब्राउन इज ऑल्सो फाइन, यू कैन गो हार्ड, बट ये आई थिंक दिस इज द रूट। सब यहीं से आ रहे हैं। वो दूर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है, मतलब वही मेमोरियल है। ओह, इतनी खुशी मिली देख के, मुझे तो लगा मैं सही में भटक गया हूँ, बट आई एम श्योर इट इज़ दैट। 12:30 तक हम सिर्फ ऑफ रोड ही कर रहे हैं, चुसुल तो नहीं जाना है इतना श्योर है। चलो आई थिंक वो बेस कैंप होगा, वहाँ पूछ लूँगा, नहीं हुआ तो हम घूम के आएंगे। मेमोरियल मेरे हिसाब से, मेरा जो मैप मेरे माइंड में चल रहा है, इट शुड बी अनदर 15-20 मिनट्स फ्रॉम हियर, आई कैन सी सम थिंग्स देयर। सो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। भाई इतनी खूबसूरत जगह ना, क्या मेमोरियल है यार, सुपर्ब। आई थिंक दिस वाज वर्थ कमिंग हियर, रिजांगला मेमोरियल। बहुत कम लोग ऐसे यहाँ आते हैं। में ये जो मेमोरियल है इस पे पूरा व्लॉग बनना चाहिए, आधा नहीं पूरा व्लॉग बनना चाहिए, इतनी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे। सो द सिनेमा वेयर इशू द वॉर थिंग, कैफेटेरिया, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, व्हाट अ प्राउड फीलिंग। हे मैम, व्हाट्स अप? वेरी नाइस ना मेमोरियल, वेरी ब्यूटीफुल यार। सो अब एक इमोशनल स्टोरी देखने वाले हैं हम सब, एंड इसके जो फाइनल चीज था देखते हैं अभी फॉर द मूवी। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द 1962 वॉर, चाइना एंड इंडिया, उसके बारे में। चलो देखते हैं। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। सो दैट ट्रक मूवीज, मूवी कैसी लगी? क्रेजी ना? It's not a movie, it's a life story, bro. It's a true story. और अब उस्ताद जी हमें बताएंगे Goosebumps. अहीर धाम यहाँ पे है जो मेमोरियल। उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनके लिए लकड़ी नहीं थी, वो जो जहाँ के फर्नीचर था ना, खराब फर्नीचर, उससे उनका अंतिम संस्कार किया। स्मारक बनाया गया है, उसके अंदर है, मतलब सभी हाँ, सभी कहती हैं यहाँ इसके अंदर है, इसको हम सल्यूट करते हैं। इवन ऑन ग्रेवल, हार्ड ग्रेवल, आई एम एट 70, सो नॉट बैड। ओ पता नहीं ये इंडस है, और क्रेन पूरी डूबी हुई है वहाँ, वो देखो। रियली लाइक अ याक, बट एक क्रॉस ओवर ब्रीड है, याक नहीं है। Stay dead.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Hey, water crossing ke team ne aise kar diya, aise is wale mein tumhe pair hawa mein rakha tha, wo wet nahi kar rahe, but I got little wet. How was it? Good? Oh, super, I took my legs up in this one. Oh yeah? Yeah. That easy? Yeah man, it's very light bike, yeah. Very easy. So yeah, it's crazy. He said 3-4, look at that. मेरी DJI की बैटरी खत्म हो गई. ये रोड आम इंसान लेते हैं क्या? जो लोग जाते हैं पैंगोंग से डायरेक्ट सोमो रोड यही लेते हैं ना. But usually they take the. ये तो हमने मन पे मिक्स. वही मैं बोल रहा हूँ. We are having fun. मेरे पे मिक्स किया. Oh my god, this was the craziest patch I've done in Ladakh, man. This is crazy. Look at this beautiful Pangong Lake. Beautiful bikers all here, and you can see that's where we're actually coming from, literally all that, and that's the tarmac. Oh, I wish my camera was rolling. Scene. इसका दो तीन वाटर क्रॉसिंग होंगे. मोर देन 8-10 वाटर क्रॉसिंग. ओ माय गॉड, दिस इज टफेस्ट लद्दाख. ट्रस्ट मी, एक्सट्रीम लद्दाख. सो ये जो डिसीजन था यहाँ आने का, ये रोड का, वो कुछ ऐसा था. दिस इज द माइटी पैंगोंग लेक. अब भी ग्रीन था, फिर ब्लू हुआ, और अभी एक्वा हो रहा है. ये थंबनेल होना चाहिए आज का. ओके, सो फाइनली चेक इन हो चुका है पैंगोंग लेक में. हमें हमारे टेंट में, रॉयल इज हियर, प्रसन्ना इज हियर. डस्ट तो भर गया है, सब जगह डस्ट भर गया है, फुल डस्ट. बट जो आपको एक चीज़ दिखानी है, जो प्रसन्ना ने अभी स्पॉट किया, मेरा नोज तो पूरा ब्लैक हो गया यार. चलो चेक दिस आउट. आई डोंट नो कैमरा में जस्टिस होगा कि नहीं. पर्सनली दिस मून इज लिटरली लाइक You can grab it. यार कैमरा में तो दिख ही नहीं रहा यार. यहाँ देख, देखो, चेक दिस. बट इसमें भी नहीं होएगा यार, कैमरा जस्टिस कर ही नहीं पाएगा बॉस. जो हमें दिख रहा है 10 गुना ज़्यादा बड़ा मून दिख रहा है. ओ माई गॉड, आई हैव नो वर्ड्स. चलो फ़ोन पे ट्राई करेंगे. अच्छा वैसे आज का व्लॉग लंबा हो गया, बट आई होप आप लोगों को मज़ा आया. कितनी वाटर क्रॉसिंग थी? ईजिली 20-25. इतनी वाटर क्रॉसिंग जितने शूट हम कर पाए. जो हो सका हो सका. दिस वॉज इट, क्रेजी राइड. और लकीली KTM ने तो बजा डाली भाई, फुल ऑन. सो इट वॉज गुड फन. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू, प्रेस द थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. एज यूजुअल, ईट वेल, सी वेल, बी गुड. साइनिंग ऑफ, राइड विद राज. पाँच बज रहे हैं पैंगोंग में. गुड मॉर्निंग. सनराइज हुआ नहीं अभी, बड़ा पूरा व्यू देख सकते हो. बैठते हैं आमिर खान का मूवी का शॉट जो है. बेसिकली दैट्स ऑल द स्कूटर्स देयर, दैट्स बिकम लाइक एंटरटेनमेंट प्लेस. दैट्स व्हाई हम लोग को वो पसंद आया जहाँ से हम आए हैं. वी हैव कम फ्रॉम दैट साइड, राइट. जो आप लोगों ने कल देखा वो सब उस साइड पैंगोंग का था. सो पैंगोंग लेक का कलर चेंज होता है जब सन बाहर आता है, एंड देन एवरी मिनट इट हैज़ अ डिफरेंट radiant color, sometimes aqua blue, sometimes green, sometimes you know, full mix. So guys, khoobsurat nazara, aur aaj hum Pangong Lake chhod denge.